नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। बिहार पुलिस में डीएसपी बनने वाली पहली मुस्लिम लड़की रजिया सुल्तान मूल रूप से गोपालगंज जिले के हथुआ के रतन चक्की रहने वाली हैं। इनके पिता एमडी असलम अंसारी बोकारो स्टील प्लांट में स्टेनोग्राफर पद पर नौकरी करते थे। उनका साल 2000 में इंतकाल हो चुका है। फिलहाल पूरा परिवार बोकारो में ही रह रहा है। बता दें कि रजिया के चाचा डॉक्टर एएन अंसारी मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्व चिकित्सा प्रभारी रह चुके हैं। मीडिया से बातचीत में अंसारी ने कहा कि भतीजी की कामयाबी पर गर्व है। रजिया सात भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। इकलौता भाई एमबीए करके झांसी में निजी कंपनी में जॉब कर रहा है। रजिया बताती है कि वे वर्तमान में बिजली विभाग में सहायक अभियंता पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ बीपीएससी की तैयारी की थी, मगर दिक्कत यह आई कि पटना में बीपीएससी की कोचिंग हिंदी में होती है, जिसमें भी सहज नहीं थी। ऐसे में खुद घर पर ही रहकर अंग्रेजी माध्यम से तैयारी की, पहले प्रयास में सफल हो गई। कोचिंग जगत से जुड़े डॉक्टर एम रहमान बताते हैं कि 64वीं बीपीएससी के 1454 में से 98 मुस्लिम उम्मीदवार सफल रहे। 40 अभ्यर्थी डीएसपी बने हैं, इनमें 4 मुस्लिम हैं। डायरेक्टर बिहार पुलिस में डीएसपी बनने वाली रजिया सुल्तान बिहार की पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। इन्होंने स्नातक की डिग्री राजस्थान से हासिल की है। रजिया ने साल 2011 में बोकारो से 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद रजिया राजस्थान आ गई थी। राजस्थान के जोधपुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक की। रजिया सुल्तान की मां गुलाबुन निशा ने बताया कि रजिया का जन्म 1994 में हुआ था। वो बचपन से ही होनहार रहीं। बेटे के डीएसपी बनने के बाद मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुझे तो डीएसपी की पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी तक नहीं है, मगर बेटी ने पुलिस अधिकारी पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। वहीं रजिया सुल्तान कहती है कि लोगों की अक्सर सोच रहती है कि मुस्लिम परिवारों में बेटियों को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते, उन्हें बुर्की में रहकर घर तक ही सीमित रहना पड़ता है। इसके जवाब में रजिया सुल्तान कहती है कि वे इस मामले में भाग्यशाली हैं, उनके परिवार की सोच आधुनिक है। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता, बेटियों को पढ़ने लिखने का भरपूर अवसर मिलता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।